हमारी गुलबचिया। गुलफराज चचा, क्या हुआ? ये बानो है, इसको चोट लगी है और बेहोश है। आप सेट वॉलंटियर है ना? मेरी पड़ोसन गिर गई है और उसे चोट लगी है। हेलो, आपको क्या हुआ है? इनको सिर्फ सर पर चोट लगी है और बेहोश है। हमें जख्म पर कपड़ा रखकर दबाना होगा ताकि खून के बहाव को रोका जा सके, और इसके अलावा हमें इसे पलटना होगा ताकि उल्टी की सूरत में सांस बंद ना हो जाए। परिगुल, आप जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ ताकि इसको टाइम पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। हमें फौरन दूसरे लोगों की मदद को भी पहुंचना होगा। जनाब, क्या हुआ है आपको? सर्जरी की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है भाई साहब, जिसकी वजह से मुझे चोट लगी है। आप फिक्र ना करें, आप ठीक हो जाएंगे। परिगुल, आप इनकी टांग दिल की सतह से ऊंची करें ताकि खून बहना बंद हो जाए। अब हमें जो करना है वो सिर्फ ये है कि जख्म को पट्टी लगानी है। लगता है ये ओपन फ्रैक्चर है। अब बेहतर होगा कि इसको स्प्रिंट से बांधकर सीधा रखें। परिगुल, आप मेरे फर्स्ट एड किट से स्प्रिंट निकाल कर दें। अब मैं आपको स्प्रिंट लगा रहा हूं ताकि दबाव कम हो, लेकिन बराए करम हड्डी को मत हिलाइए। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। मैं छत पर चढ़ रहा था और जलजले की वजह से इसलिए वो कर गिर गया। आप फिक्र ना करें, आप ठीक हो जाएंगे। बस इस बात को यकीनी बनाएं कि हरकत ना करें, इससे जख्म मजीद खराब हो सकता है। दोस्तों, मेहरबानी करें और साइड पर हो जाएं, जगह खाली करें। परिगुल, क्या आप कौनस की मदद से जगह को कार्डन ऑफ कर सकती हैं ताकि हम इनको तिबी इमदाद फराम कर सकें? मुझे आहिस्ता से आपके सर को सीधा करना होगा और अब सहारा देने के लिए कॉलर लगाएंगे। अब इनको लकड़ी के तख्ते पर ले जाने के लिए मदद की जरूरत है। परिगुल, आप 6 से 8 लोगों को मदद के लिए बुलाओ और इस चीज का जरूर ख्याल रखो कि सर को सहारा देना नहीं छोड़ना। परिगुल, आप एम्बुलेंस को बुलाएं, वो इनका ख्याल रखेंगे। जमीला, क्या हुआ? लगता है कोई चीज इसके गले में अटकी हुई है। फिजा, बात सुने, इसके पेट पर हाथ रख के दबाना है। आप इसके पीछे खड़ी हो जाओ, एक हाथ इसके सीने पर रखकर आगे की तरफ इसको झुकाएं ताकि जो चीज सांस की नाली में अटकी हुई है वो मजीद अंदर ना जाए और मुंह से बाहर निकल आए। हाँ, बिल्कुल इसी तरह गर्दन से थोड़ा नीचे दोनों कांधों के बीच में कम अज कम 5-5 मरतबा जोर जोर से थपकियां मारें। आइए हम सब मिलकर फर्स्ट एड देना दोबारा सीख लेते हैं ताकि हम किसी की जान बचा सकें। दोस्तों, याद रखें, गर्दन पर चोट लगने की सूरत में सर को सीधा करें, सर को रीढ़ की हड्डी की सीध के मुताबिक रखें, जख्म पर कपड़ा रखें और आखिर में मरीज को पलटाएं। खून रोकने के लिए मरीज को आराम की हालत में रखें, जख्मी हिस्से को दिल की सतह से ऊपर रखें और जख्म पर पट्टी करें। फ्रैक्चर की सूरत में स्प्रिंट का इस्तेमाल करें। सर पर चोट लगी हो तो सर को सहारा देने के लिए कॉलर बनाएं। इजाफी मदद के लिए कपड़े का इस्तेमाल करें और फिर मरीज को पलटाएं। गले में कुछ फंस जाए तो मरीज के पीछे खड़े होकर गर्दन से थोड़ा नीचे दोनों कांधों के बीच में जोर जोर से थपकियां मारें। एक और तरीका यह है कि पेट पर हाथ रखकर जोर से प्रेशर दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, उम्मीद है अब हम किसी भी हादसे में फर्स्ट एड दे सकेंगे।